प्राचीन जल स्रोतों का गर्मी में और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। आज के समय में प्राचीन जल स्रोतों का सही तरीके से रखरखाव न होने के चलते प्राकृतिक जल स्रोत लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी काफी मात्रा में प्राकृतिक जल स्रोत शामिल हैं, जो तेज गर्मी के मौसम में ग्रामीणों और शहरी स्तर पर लोगों के पीने के पानी की कमी को पूरा करते हैं। प्राकृतिक जल स्रोत आज के समय में खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। आवश्यकता है तो उन्हें सुरक्षित रखने की, लेकिन मनुष्य इस आधुनिक युग में प्राकृतिक जल स्रोतों को अनदेखा करता जा रहा है। लेकिन मनुष्य को इनकी याद तब आती है जब उन्हें पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है। जी हाँ, पानी की किल्लत की समस्या अधिकतर गर्मियों के समय अधिक देखने को मिलती है। प्राकृतिक जल स्रोतों में मुख्य कुएं, बावड़ियां, झरने, तालाब जैसे स्रोत हैं, जहां से व्यक्ति पानी की किल्लत को पूरा करते हैं। वहीं मंडी शहर में भी काफी तादाद में प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जिनका निर्माण राजाओं के समय में हुआ था और लोग अक्सर इन स्रोतों का प्रयोग करते थे। मंडी शहर में प्राकृतिक जल स्रोतों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि एक समय था जब वाटर सप्लाई नहीं होती थी, उस समय प्राकृतिक जल स्रोतों को ही उपयोग में लाया जाता था, जिससे कपड़े धोना, खाना बनाना, नहाना आदि कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पुराने समय में अधिकतर लोग प्राकृतिक जल स्रोतों को ही प्रयोग में लाते थे, लेकिन अब वाटर सप्लाई हर घर में पहुंचती है। लेकिन गर्मियों में जब पानी की समस्या आती है तो लोग फिर से इन्हीं प्राकृतिक जल स्रोतों की ओर रुख करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक जल स्रोतों के महत्व को समझना होगा और उन्हें स्वच्छ रखने के लिए आगे आना होगा। आपको बता दें कि छोटी काशी मंडी में राजाओं के समय से बावड़ियों का निर्माण किया हुआ है, जिसका मंडी शहर के लोग आज भी प्रयोग करते हैं। मंडी शहर के निवासियों का कहना है कि मंडी में शिवा बावड़ी, जेंजू का नॉन व पुरानी मंडी में बहुत सी बावड़ियां हैं, जिनका लोग अपनी जरूरत के लिए प्रयोग करते हैं। वहीं बावड़ियों के महत्व को बताते हुए स्थानीय महिला ने बताया कि मंडी शहर में बावड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन डीबा बावड़ी का पानी सीवरेज रिसाव के चलते दूषित हो रहा है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता है कि बावड़ी को साफ रखा जाए और यह तभी संभव होगा जब सभी लोग मिलकर इसे साफ करने में सहयोग करें। ये हमारे जो प्राचीन स्रोत हैं, जो बावड़ियां हैं, डिबा बावड़ी है, सीबा बावड़ी है, जौनचुका नौण है, ये बहुत ऐतिहासिक बावड़ियां थी। इसमें पानी बहुत अच्छा था, परंतु सीवरेज के कारण इसमें मिलावट हो गई और पानी खराब हो गया। इसलिए सीवरेज वालों को साफ करने के लिए ना कुछ प्रबंध करवाए, जिससे पानी साफ हो सके। बाकी ये पानी यूज करने के, जैसे कपड़े धोने के लिए, मंडी में वैसे पानी की कमी नहीं है, बावड़ियां बहुत है छोटी काशी में। इसलिए यहाँ मतलब प्रशासन भी इसकी तरफ ध्यान दे, जबकि ये साफ करने की कोशिश करें, जो जो सीवरेज का पानी मिला हुआ है इसको साफ करने की कोशिश करें। प्राकृतिक जल स्रोतों की बड़ी अहमियत है। जब लोगों को वाटर सप्लाई से पानी मुहैया नहीं होता था तो जल स्रोतों से ही पानी पीने का और पानी पीने का और भी जो है वो जितना पानी यूज होता था घर में बर्तन साफ करने के लिए, नहाने के लिए, जल स्रोतों से हिलाया जाता था। तो उन अब वाटर सप्लाई के माध्यम से लोगों को पानी मिल गया है, वो लोग जो है उस जल स्रोतों की वैल्यू आज नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु बहुत जरूरी है कि उन जल स्रोतों का देख रेख जरूरी है, क्योंकि अगर वो जल स्रोत भी सूख जाएंगे, अब बारिश ना होने के कारण जो है पीछे ये जल स्रोत सभी सूखने के कगार पर आ गए हैं, तो इनका रखरखाव जनता को, सरकार को बड़े उच्च पैमाने पे करना जरूरी है।
वहीं हाल में ही प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत मंडी शहर में जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनकी सफाई की जा रही है ताकि पानी की समस्या उत्पन्न न हो सके। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सहजल ने मंडी जिला मुख्यालय में ग्राम स्वरोजगार अभियान के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ भारत पर्व में भाग लिया। उन्होंने जेंजू कनौन में पहुंचकर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। इसी सोच को लेकर पूरे देश सहित प्रदेश व मंडी जिला में ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत यह आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सर्दियों में कम बारिश होने के कारण भूजल स्तर गिरा है, जिससे पेयजल की अधिकांश योजनाओं में पानी कम होने से आपूर्ति में बाधा आ रही है। ऐसे में प्राकृतिक जल स्रोतों की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। इन जल स्रोतों की साफ सफाई सही ढंग से न होने पर जल जनित रोगों के फैलने की संभावना बनी रहती है। जो आज यहाँ सफाई अभियान रखा गया है, इसमें विभिन्न संगठनों के लोग और हमारी पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं, प्रशासन भी इसमें जो है आज शामिल है। ये सफाई अभियान जो है ये पूरे देश में मालूम है सभी को कि पूरे देश में लिया जा रहा है, और प्रेरणा जो है वो सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। आज जो ये यहाँ अभियान रखा गया है, ये प्राचीन यहाँ का जल स्रोत भी है, बॉडी है, और प्राचीन समय में लोग इसका प्रयोग जो है वो किया करते थे, लेकिन समय के कारण से और इसकी उपेक्षा जो है वो हुई, और आज जो है सबने निर्णय किया कि स्थान को जो है यहाँ पर साफ करेंगे। मैं भी मंडी के प्रवास पर था और पार्टी की ओर से ये हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, सबके लिए आवश्यक किया गया है कि जहाँ जहाँ वो हों वो उस स्थान पर रह करके सफाई अभियान में हिस्सा लें। तो मुझे भी आज यहाँ आने का मौका मिला और सब लोग जो है बड़े जोश के साथ लगे हुए हैं, प्राकृतिक स्रोत को जो है वो साफ किया जा रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि ये अभियान जारी रहना चाहिए। एक दिन को प्रतीकात्मक ना हो, बल्कि ये एक निरंतरता में जो है ये सफाई अभियान आए, ये रोज़ रोज़ हो, ये हमारे स्वभाव में आए, यही हमारे प्रधानमंत्री जी की भावना है, और ये हमारे जब स्वभाव में आएगा तो मैं समझता हूँ जो स्वच्छता अभियान है वो निश्चित तौर से कामयाब हो। आप मंडी प्रवास पर हैं, आगे का क्या शेड्यूल है सर? आप कहाँ विजिट करने जा रहे हैं? आज यहाँ आने के नाते अपने कुछ विभाग के अधिकारियों के साथ मैंने मुलाकात की है, हालांकि थोड़ा बाद में भी आकर के विस्तार से उनके साथ बैठक करेंगे। यहाँ के अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का भी कार्यक्रम है, और यहाँ समीप के गाँव में गोकथा का भी आयोजन, तो उस गोकथा में भी आज मैं जा करके वहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त करूँगा।